नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी देश भर में मीडिया से संवाद कर रही है। इसी कड़ी में शहर के बाद अब ग्राम अंचल तेवरी में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगाए। श्री शुक्ला ने कहा कि अपने परम मित्र अदानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से अदानी के बारे में पूछा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। हरिशंकर शुक्ला ने कहा कि 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में अदानी महाघोटाले पर दो सीधे सवाल पूछे। अदानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ या $3 बिलियन किसका है? अदानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। ये पैसा कहाँ से आया? किसका काला धन है? ये किसकी शेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कमेटी पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष गुमान सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश द्विवेदी, संगठन मंत्री अरुण कनौजिया, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अमित शुक्ला, पिछड़ा वर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष कल्लूदास बैरागी, देवीदीन गुप्ता, अमित सिंह, संजय सिंह गोरा, सुनील कुशवाहा, उदय पटेल आदि मौजूद थे। में हम लोगों की आज एक प्रेस वार्ता हुई है आम जनमानस को बताने के लिए कि मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों को, अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश में कुछ करने को भी तैयार है और आगे आने वाले समय में ईस्ट इंडिया जैसी कंपनियां ना जाए कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा होने नहीं देगी। इसलिए संविधान बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ आज की हमारी प्रेस वार्ता कि हमारे राहुल गांधी जी हम लोगों के नेता हैं और उनको जो संसद से निष्कासित किया गया, जो उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुए, ये अपराध वापस लिया जाए क्योंकि वो बिल्कुल गलत तरीके से अपराध है। मानहानि का ऐसा कोई केस बनता नहीं। धाराओं में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जब तक कोई मानहानि वाला व्यक्ति शिकायत ना करे तो मानहानि किसकी हो गई। तो मोदी जी ने कोई शिकायत नहीं की और अपराध पंजीबद्ध, 2 साल की सजा, ये अंधा कानून है और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आकर और आने वाले समय में एक बृहद आंदोलन करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।